नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं NH24/7। तो छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। चलिए बात करते हैं दंतेवाड़ा की। आपको बता दें, दंतेवाड़ा में जहां नक्सली कमांडर ने यहां पर सरेंडर किया है, 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर गंगा यहाँ पर जिसने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें, गंगा समेत 3 नक्सलियों ने यहाँ पर सरेंडर किया है, एसपी के सामने यहाँ पर सरेंडर किया है। बता दें, आदवाल मुठभेड़ में शामिल थे ये तीनों नक्सली। बड़ी कामयाबी आपको बता दें, दंतेवाड़ा पुलिस इसे मान रही है। लोन वर्राटू अभियान के तहत यहाँ पर सरेंडर किया गया है। तो चलिए बात करें छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का परिणाम आए 1 महीने से अधिक बीत चुका है। प्रदेश में नई सरकार भी बन चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के हार का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ है। अलग अलग अवसरों पर हार की पीड़ा छलक रही है। ताजा मामला नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। कभी भी एक दूसरे का मुंह चुरा के घूम रहे, नजर से नजर नहीं मिला पा रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ी जीत का भरोसा था। कांग्रेस ने 75 पार का लक्ष्य रखा था, लेकिन सरकार बचाने लायक सीटें भी नसीब नहीं हो सकी। कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट कर रह गई। आलम यह रहा कि उप मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री चुनाव हार गए। कई दिग्गज नेता भी अपनी सीट बचाने में नाकाम साबित हुए। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में हार का दर्द महीने भर बाद भी दूर नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट ने पहली बैठक ली। इस बैठक में भी यह दर्द छलकता नजर आया। बैठक के एक वायरल वीडियो में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कहते नजर आ रहे हैं, हम एक दूसरे से मुंह छिपाकर चल रहे हैं, एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। ये सबकी हालत है और हम लोग काफी दुखी हुए हैं। महंत के बयान से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भी इत्तेफाक रखते हैं। वे कहते हैं कि हार से हम सभी डिप्रेस हैं। दूसरी ओर इसी बैठक में नए प्रभारी सचिन पायलट वरिष्ठ नेताओं से कहते नजर आते हैं, जीवन हो या राजनीति, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी, परिणाम विपरीत आया, सभी लोग इससे डिप्रेस हैं। जीवन में और राजनीति में कभी रुक कर पीछे देखेंगे तो बहुत से ख्याल मन में आते हैं, इसलिए हम लोगों को तो अब आगे की तरफ देखना है। अगले कुछ महीनों में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस अभी विधानसभा चुनाव में हार के गम से उबर नहीं पाई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में कितनी मजबूती से पार्टी मैदान में उतर पाएगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल डॉक्टर चरणदास महंत और सचिन पायलट के बीच संवाद का ये वीडियो कांग्रेसियों के बीच ही जमकर वायरल हो रहा है। INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। उधर छत्तीसगढ़ में अब भाजपा की सरकार बन गई है। विपक्ष में रहते हुए भाजपा कांग्रेस सरकार की जिन योजनाओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, उनकी फाइलें अब खुलने लगी हैं। ताजा मामला गोठान घोटाले को लेकर सामने आया है, जिस पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने जांच की बात कही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में गौठान घोटाले को लेकर विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपाई गौठानों का निरीक्षण करने भी पहुंचे। अब सरकार बदल गई है, स्वाभाविक है इन आरोपों की जांच होगी। इसके संकेत केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गौठानों को लूटा, उसी को ठीक करने आए हैं। बघेल ने कहां कहां लूटा है उसे देखेंगे और क्या करना है यह भी तय करेंगे। गिरिराज सिंह के इन आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, आखिर आए हैं तो कुछ तो काम करें, हमारी सरकार में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, किसी भी जांच का हम स्वागत करते हैं। और इस ग्रामीण विकास को, पंचायती राज को पुरानी सरकार ने जिस ढंग से लूटा, वो क्या गठिया, क्या गोठान, उसी को ठीक करने आया। और
छत्तीसगढ़ सरकार कैसे बेहतरी से काम करे, हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू अन्य डिपार्टमेंट, उसके लिए एक मीटिंग करके फिर आगे की कार्रवाई करूंगा। मैं स्वागत करूंगा, आए हैं तो कुछ तो करें, जांच करें। हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि जांच मत करें, उनका उनकी सरकार बन चुकी है, वो जहाँ जहाँ जांच करना चाहते हैं करें। हल्ला फैलाने के बजाय जांच करके निष्कर्ष को बताएं, वो ज़्यादा बेहतर है। हमारी सरकार ने किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं किया है, ये मैं कह सकता हूँ। देखिए, करा ले, जो करना है वो कर ले, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी जो सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी उसका सीधा लाभ आम जनता को मिला है। छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस को हर मुद्दे पर एक्सपोज करना चाहती है, चाहे वह धर्म से जुड़े मुद्दे हों या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। यही वजह है कि राम मंदिर से लेकर कांग्रेस सरकार में हुए कथित घोटालों पर भाजपा कांग्रेस को बैकफुट पर ले आई है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस इन आरोपों के बाद खुद को कैसे पाक साफ साबित करती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक कल लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई गई, लेकिन प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस मुश्किल में घिरती नजर आ रही है। इसी बीच गिरिराज सिंह ने राम मंदिर मामले में कांग्रेस को देश भर में प्रत्याशी नहीं मिलने की बात कही है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में हारे हुए पूर्व मंत्रियों और विधायकों को चुनाव लड़ाने का फार्मूला सामने आया है। यह माना जा रहा है हारे हुए पूर्व वित्त मंत्रियों, विधायकों या बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से चुनाव प्रबंधन को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। पार्टी संगठन और नेताओं की अपनी टीम भी पूरी मजबूती के साथ फील्ड पर काम करेगी। साथ ही जिन सिटिंग विधायकों की टिकट काट दी गई थी उनमें भी लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर विचार किया गया, लेकिन हारे हुए पूर्व मंत्री और विधायक लोकसभा चुनाव को लेकर कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्रियों का कहना है वे अपनी ओर से टिकट नहीं मांगेंगे, अगर पार्टी हाईकमान का निर्देश होगा तो उसे जरूर मानेंगे, जबकि टिकट से वंचित किए गए पूर्व विधायक चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान ने खलबली मचा दी है। बिल्कुल ठीक सोचना है, और बड़े नेता जब लड़ते हैं तो पूरा उनका पूरा संगठन, पूरा टीम सब सक्रिय रहता है और एक प्रभाव दिखता है कि वास्तव में लड़ाई जो है वो बराबरी की हो रही है। देखिए, अब ये तो हाईकमान किसको लड़ाना नहीं लड़ाना है वो तय करती है और उसी के अनुरूप आगे कार्यवाही होगी। वैसे तो पूरे देश में कांग्रेस ने जो इस बार काम किया है हिंदू विरोधी, पूरे देश में उसे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये देश सनातन हिंदुओं से इसकी पहचान है। इसकी पहचान प्रभु श्री राम कृष्ण और शिव से है। जो शिव राम कृष्ण का विरोधी हो उसे जगह कहाँ मिलेगा चुनाव लड़ने का। कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर के संकट की स्थिति है, और प्रत्याशी तो किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं जीत और हार की स्थिति। तो चाहे पीटे हुए चेहरे हो चाहे नए चेहरे हो, इस बार की लोकसभा के चुनाव में सभी पीटे हुए रहेंगे और उनकी खाता नहीं खुलेगी। ये पहला बार छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अब तक 2 सीटों से अधिक जीत नहीं सकी है। इस बार पूरे देश में राम मंदिर को लेकर भाजपा अपने पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने चुनाव जीतने की बेहद कठिन चुनौती होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर, जो कि बांदे से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी नेता आसिम राय हत्याकांड मामला, गढ़चिरौली से मुख्य शूटर गिरफ्तार, अब तक 12 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। तो बता दें, आज हो सकते हैं कई और बड़े खुलासे। नगर पंचायत यहाँ पर बप्पा और विकास पाल के सुपारी देकर यहाँ पर हत्या कराई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहाँ आज हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। बीजेपी नेता आसिम राय हत्याकांड का यह पूरा मामला है। तो गढ़चिरौली से मुख्य शूटर गिरफ्तार
हो गया है। आपको बता दें अब तक 12 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बड़ी खबर है बांदे से, बता दें बीजेपी नेता आसिफ राय हत्याकांड का यह पूरा मामला है। आपको बता दें गढ़चिरौली से मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक 12 आरोपी यहां पर गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। आज हो सकती है कई बड़े यहां पर खुलासे भी हो सकते हैं यहां पर। तो बड़ी खबर बता रहे हैं अब तक 12 आरोपी यहां पर गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। आज बड़े खुलासे हो सकते हैं यहां पर। आपको बता दें बीजेपी नेता आसिम राय हत्याकांड का यह पूरा मामला है, जहां गढ़चिरौली से मुख्य शूटर हत्या का गिरफ्तार हो चुका है। तो आज कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बांदे से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता आसिम राय हत्याकांड का यह पूरा मामला है, गढ़चिरौली से इस हत्या का मुख्य शूटर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक 12 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आसिम राय हत्याकांड जो कि इस वक्त बहुत तुल पकड़ा हुआ है, लगातार यहां पर गिरफ्तारी हो रही है, रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, अब ऐसे में मुख्य शूटर यहां पर गिरफ्तार हो गया है, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी संपूर्ण घटनाक्रम जो है पिछले रविवार 7 जनवरी का बताया जा रहा था। जी आसिम राय जो इनको गोली मारी गई थी उस हत्याकांड में जो कई बड़े बड़े नाम लगातार सामने आए और लगातार उनकी गिरफ्तारी हुई, और कल दोपहर को जो मुख्य शूटर जो विकास तालुकदार है उसकी गिरफ्तारी भी कल गढ़चिरौली से की गई। अब कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कई बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो शूटर है विकास तालुकदार, ये पहले भी 2016 में गोंडाउर थाना के अंतर्गत जो है राजनांदगांव के एक व्यापारी को भी इसने गोली मारी थी। और इस जो पूरे घटनाक्रम में शामिल जो लोग हैं, कहीं कई बड़े 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 लोग भी इसमें बताए जा रहे हैं। बाप्पा गांगुली जो नगर पंचायत अध्यक्ष है, और साथ ही विकास पाल जो पार्षद है। देखिए ये पूरा मामला जो है सिर्फ एक कुर्सी जो नगर पंचायत का जो अध्यक्ष पद की कुर्सी के चले जाने के जो डर से है, जो पूरा घटनाक्रम जो पूरा हत्याकांड है पूरा रचा गया। जो मैं आपको बताना चाहूंगा जी, अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हो चुका था जो जमीनी स्तर पर पूरी तरह सच था, जिसके चलते बाप्पा गांगुली की जो है जो कुर्सी थी वो छीन सकती थी, और जो नगर की जो सरकार है वो गिर सकती थी कांग्रेस की कहीं ना कहीं। इसके चलते जो आसिम राय की जो है सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी गई। जी सुमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरा देश भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है, हर तरफ राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस के स्टैंड को लेकर सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। बात हिंदू होने की सर्टिफिकेट तक आ गई है, देखिए इस रिपोर्ट। अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज है। प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं, हर तरफ उत्साह है, लेकिन कांग्रेस के स्टैंड ने इस मुद्दे को अब धर्म से हटाकर सियासी भी बना दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को सीधे हिंदू विरोधी करार दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के DNA को ही हिंदू विरोधी करार दे डाला है। उन्होंने यहाँ तक कहा, नेहरू ने सोमनाथ मंदिर बनने पर राजेंद्र बाबू को भी वहां जाने से रोका था। गिरिराज सिंह के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमें गिरिराज सिंह से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि गिरिराज सिंह को तो शंकराचार्य जी से सर्टिफिकेट लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कभी निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। वहीं कांग्रेस की पूर्व प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के स्टैंड का बचाव किया। उन्होंने कहा कि क्या राम मंदिर में भाजपा का मार्का लगा है? जो मंदिर संस्थान है, ट्रस्ट है, उसने सोनिया गांधी को भी निमंत्रण भेजा था या भेजा है,
खड़गे जी को भी भेजा है, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं। आज से नहीं, बरसों से नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी क्लास ली, हमारे राजेंद्र बाबू जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनको भी मना किया क्योंकि वो कहते थे कि मैं बाय डिफॉल्ट मैं हिंदू हूँ, और ये परंपरा उनके डीएनए में है हिंदू विरोधी। कि गिरिराज सिंह जी जैसे व्यक्ति हैं, उनके जो मैं कहता हूँ कि उनके बयानों पर हम कभी उसको गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि वे एक गंभीर व्यक्ति नहीं है। मुझे प्रमाण पत्र गिरिराज जी से लेने की जरूरत नहीं, उनको अपना प्रमाण पत्र देना चाहिए जो आज शंकराचार्य जी के का विरोध कर रहे हैं। जनता पार्टी कह रही है कि वो उनका मुद्दा है, हाँ तो फिर ये तो देखिए, राजनीति अपनी जगह होती है, आस्था अपनी जगह होती है, और भगवान राम पर इनका कोई मार्का नहीं लगा है। भगवान राम सबके हैं, कण कण में हैं, हर दिल में हैं, तो आस्था पर ये अपनी छाप ना लगाने की कोशिश करें। रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दिवाली मनाने की तैयारी है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार कर कांग्रेस बैकफुट में नजर आ रही है। विपक्ष के निशाने पर भी कांग्रेस है, और अब कहा जा रहा है कि पार्टी कहीं जनता के भी निशाने में न आ जाए। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव डहेरिया को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए मणिपुर का ऑब्जर्वर बनाया गया है। डहेरिया को मणिपुर में यात्रा के सफल संचालन की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस हाईकमान का आभार जताया है। साथ ही राहुल गांधी की यात्रा से पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बनने की बात भी कही है। जोड़ो न्याय यात्रा के लिए डॉक्टर शिव डहरिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मणिपुर के ऑब्जर्वर बनाए गए हमारे साथ है। एक बड़ी जिम्मेदारी ऐसे राज्य की दी गई है आपको जहां पर यात्रा निकालना भी मुश्किल हो रहा है, कैसे करेंगे? देखिए, वहां पे जनता खुद चाहती है राहुल जी के साथ जुड़ना और राहुल जी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और हम सब मिलकर उसको सफल बनाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ भी यात्रा आएगी, कितने तैयार हैं और कितना लाभ होगा? निश्चित रूप से राहुल जी के आने से छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें हमारी बढ़ेगी, और राहुल जी सीधे जनता से जुड़ रहे हैं और जो देश में अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए वो काम कर रहे हैं। आप लोगों की बैठक में भी चर्चा हुई कि बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, तो कितने आप इससे सहमत हैं? देखिए, अब ये तो हाईकमान किसको लड़ाना नहीं लड़ाना है वो तय करती है, और उसी के अनुरूप आगे कार्यवाही होगी। तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को लड़ाने को लेकर वे कह रहे हैं कि हाईकमान इस पर फैसला लेगा, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को लाभ होगा ये कहते हुए जरूर शिव डहरिया नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मिलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। और उधर लोरमी पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। इसके अलावा मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के हर हितग्राही को सभी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। इधर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन हुआ और सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, और इसलिए सभी विभागों के स्टाल लगे हैं, हितग्राहियों को चेक का वितरण, अन्य सामग्री का वितरण, ये सब हो रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। इधर छत्तीसगढ़ में कोल लेवी मामले में ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। ईडी की टीम लगातार रायपुर केंद्रीय जेल में कैंप कर रही है। जेल में बंद आधा दर्जन से अधिक आरोपियों से ईडी की टीम लगातार पूछताछ भी कर रही है, लेकिन पूछताछ में आरोपियों ने क्या जानकारी दी इसका खुलासा ईडी
नहीं कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में ईडी नए खुलासे कर सकती है। वहीं महादेव ऐप सट्टा मामले में ईडी को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें ईडी ने इस मामले में हवाला के जरिए, आपको बता दें, महादेव सट्टा का पैसा इधर से उधर करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड पर लिया है। अब तक महादेव ऐप सट्टा मामले में ईडी ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 6 आरोपी अभी भी जेल में बंद है। सट्टा ऐप मामले में ईडी ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम नितेश टिबरेवाल और अमित अग्रवाल बताया जा रहे हैं। अमित अग्रवाल अनिल अग्रवाल का भाई है। अनिल अग्रवाल का नाम ईडी के प्रथम पूरक चालान में भी आया है और इसके बाद कहीं ना कहीं ईडी ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया था। बताया जा रहा है कि अमित अग्रवाल और नितेश टिबरेवाल भी जो है महादेव सट्टा के जो रकम होती थी नकदी, इसे हवाला के जरिए ऑपरेट करते थे और इस पूरे रैकेट में वे भी शामिल थे। फिलहाल जो है ईडी ने दोनों को विशेष कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया हुआ है और उनसे ईडी दफ्तर में अभी तक के पूछताछ की जा रही है कि किस प्रकार से रकमों का शोधन होता था, किस प्रकार से रकमों की हेरा फेरा होती थी। फिलहाल जो है ईडी अभी इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। जेल से छूटे अपराधियों ने अब राजधानी की सड़कों पर खून की होली खेलना शुरू कर दिया है। पहले पुराने गुंडा बदमाश और अब जेल से छूटे अपराधियों ने चाकूबाजी और हत्या की वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ऐसे में चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा, आपको बता दें मुंगेली बलरामपुर रामानुजगंज जिले का करेंगे दौरा। सुबह 10:40 पर रायपुर के श्रीराम मंदिर में करेंगे दर्शन। बता दें 11:30 यहां पर पुरखौती मुक्तांगन जाएंगे सीएम साय। वही पतंग उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुंगेली में लोधी समाज के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। मुंगेली से बलरामपुर रामानुजगंज जिला जाएंगे सीएम। आपको बता दें ताता पानी संक्रांति पर्व कार्यक्रम में यहां पर शामिल होंगे। शाम 4:10 पर जशपुर पहुंचेंगे सीएम साय। आपको बता दें ताता पानी महोत्सव में भी शामिल होने यहां पर सीएम साय पहुंचेंगे। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का लगातार आज दौरा है। मुंगेली बलरामपुर रामानुजगंज जिले का दौरा करने वाले हैं सीएम साय। सुबह 10:40 पर रायपुर के श्रीराम मंदिर में दर्शन करेंगे। वहीं 11:30 पुरखौती मुक्तांगन भी जाएंगे सीएम साय। और आपको बता दें पतंग उत्सव कार्यक्रम में यहां पर शामिल होंगे। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहे INS 24/7। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।